साथियों नमस्कार। साथियों आज हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, दूसरों की भैंस की वीडियो बना रहे हैं, दूसरों के गाय की वीडियो बना रहे हैं, तो हमने सोचा कि अपने भैंस की आज वीडियो बना करके दिखाते हैं, क्योंकि दूसरों का अनुभव तो हमने बहुत लिया है, देखा है, और मैं आपको अपना अनुभव देना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ हमने जो भैंस का पालन किया है किस तरह से है, कौन सी भैंस है। तो हमारी वीडियो को जो लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बगल में बेल आइकन दबा करके आल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए हम दिखाते हैं अपनी भैंस को, जो हमारी भैंस यहाँ पर बंधी हुई देख सकते हैं। ये है क्योंकि पहली बार में जब हमने सीमन कराया था तो नहीं रुकी थी। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है जानवरों को, रिपीट हो जाती हैं, तो वही समस्या हमारे साथ भी हुई थी। तो हमने जब सीमन कराया था तो कुछ कारण बस नहीं हुआ था ठीक से, लेकिन अब दोबारा ये प्रेग्नेंट है इस समय, और 6 महीने हो गया है, 6-7 महीने इसको गाभिन हुए। अभी देख सकते हैं इसकी आर्डर क्वालिटी कैसे निकल कर आ रही है, और इसकी बॉडी की बनावट आप देख सकते हैं कैसी है। थोड़ा सा ये कुछ झनकने वाली है, बिगड़ जाती है कभी कभी, खूंटा पगा भी तोड़ लेती है, तो इस तरह से है। इसकी जंजीर भी हमने लगा कर रखा है आप देख सकते हैं, और हमारे किसी भैंस के जंजीर नहीं लगा है लेकिन इसके लगा है। तो इसकी बॉडी की बनावट कैसी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इस भैंस के बारे में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी हमारी भैंस। और हमारे पास जो 2-3 भैंस हैं हम सब के बारे में आपको दिखाएंगे बताएंगे, तो बने रहिए, हमारी पूरी वीडियो देखते रहिए। और अब चलिए हम अपनी दूसरी भैंस आपको दिखाते हैं। ये है जो लगभग 7-7.5 महीने इसको गाभिन हुए हुआ है, और अब इसके बारे में भी देख सकते हैं आप कि बनावट आप देख सकते हैं किस तरह से है, कैसे हमने इसका पालन पोषण किया है, आप इसके बारे में कमेंट करके भी बताइएगा। और ये भैंस हमारी इस समय लगभग 2.5 साल की है, 2.5 साल पे ये प्रेग्नेंट हुई है। तो इसका भी थनबाट देख लीजिए, थोड़ा दिखाओ इसका कैसे है, बिल्कुल निकल कर आ रही है, थोड़े दिन में बच्चा करेगी 2-2.5 महीने में। ये भी भैंस हमारी बढ़िया है। और अब हम अपनी एक छोटी सी हमारे पास पाड़ी है जो कि 1 साल की हुई है, उस पाड़ी को अब हम ले चल के आपको, और अब ये देखिए ये इसकी माँ को अभी हम दिखाएंगे जो बच्चा की हुई है, और इस समय ये पूरे 12 महीने 10 दिन की हुई है। ये पाड़ी 12 महीने 10 दिन की है, और इसको हम लोग राम दुलारी के नाम से जानते हैं, इसका हमने नाम रखा है राम दुलारी। और राम दुलारी जैसे है बिल्कुल वैसे ही ये थोड़ा मस्ती भी करती है। इसके अभी जल्द ही में मोहड़ी वाला ये लगा है, जब भी ये छूटती है तुरंत भागने के लिए तैयार हो जाती है, वो काफ़ी दौड़ाती है, इसलिए हमने इसको ये वाला रस्सी लगा के रखा है, और बहुत ही प्यारी है, बहुत बढ़िया है। इसके बारे में बताइएगा, ये 12 महीने 10 दिन की है, क्योंकि जब इसकी माँ ने बच्चा किया था उसके 2 महीने बाद ही उसका दोबारा सीमन हो गया था, और आज वो 10 महीने की बच्चा दी हुई है, 10 महीने 10 दिन हुआ इसकी माँ, तो इस हिसाब से 12 महीने 10 दिन की ये पाड़ी हो गई है राम दुलारी। देख सकते हैं कौन सी नस्ल की है इसके बारे में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन डॉक्टर को बुला करके हमने इसका सीमन कराया था, अपने समझ से अच्छा ही कराया था, अब कैसी निकलेगी आगे चल के ये तो समय बताएगा। और कैसी है हमारी पाड़ी इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहते हैं, हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो लोग फर्श लगवा देते हैं जानवरों को बांधने के लिए, और बाद में समस्या बहुत बड़ी आ जाती है कि उनको जो प्रेग्नेंट हैं बच्चा दी हुई हैं उनका थन का आर्डर जो तैयार है वो चोट खा जाता है ईंट पर बांधने के लिए, फर्श पे बांधने के लिए। तो उसके लिए एक काऊ मैट के बारे में आज हम जानकारी देना चाहते हैं आप लोगों को, वो है शक्ति काऊ मैट के बारे में, जो कि इनकी फर्म जो है कंपनी जो है वो पटना में है, और ये होल सेल में भी सेल करते हैं और फुटकर में भी सेल करते हैं। अगर कोई भाई लेना चाहता है तो होलसेल में भी मंगा सकता है और फुटकर में भी मंगा सकता है, किसी उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की या किसी एजेंट के द्वारा या कैसे भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप कंपनी से फ़ोन कीजिए। और उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसकी जो मोटाई होती है थिकनेस वो 27 mm की होती है, और 5 × 8 में आता है, 2 कलर में आता है, ब्लैक में और ब्लू में, तो इस तरह से है। उसके वेट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो 14 से 15 किलो उसका वेट होता है पर मैट का। तो अगर कोई भाई लेना चाहता है तो नीचे ये देखिए, यहाँ पर हमने उनका एक लोगो दे दिया है जिसमें मोबाइल नंबर भी है, आप कॉल कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं और मंगा सकते हैं, चाहे 1 मंगाना हो चाहे 100 मंगाना हो, पूरी गाड़ी आपके यहाँ पहुँच जाएगी, और बिल्कुल
थोक रेट में आपको मिल जाएगा, सही रेट में मिलेगा। अगर आप किसी दुकानदार से लेते हैं तो आपको महंगा पड़ जाता है, क्योंकि वह भी अपना चार्ज करता है। तो आप डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और रेट की बात करते हैं तो आप फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हैं, कितने रेट में देंगे, किस रेट में देंगे, थोक में कितना रेट पड़ जाएगा, फुटकर में कितना पड़ेगा, और होम डिलीवरी आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से मैट के बारे में है। तो अब हम चलिए अपनी बड़ी भैंस को दिखाते हैं, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी। तो ये भैंस हमारी है जो कि बच्चा दिया है, आज इसको बच्चा दिए हुए 10 दिन हो गया है, 10 दिन हुआ इसको बच्चा किए हुए। और ये अब की दूसरे ब्यांत में है, पहले ब्यांत में आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा हमारी राम दुलारी को, और उसके बाद आ गया है दूसरा ये गुड्डू, जो कि बहुत ही शानदार पाड़ा है और सीमन का पाड़ा है, देख सकते हैं इसको। तो इस तरह से है। अब हम थोड़ा इसको घुमा करके आपको दिखा देते हैं अपनी भैंस को। इसका एक दिन सिंह का इसके एक निकल गया कवर जो है, तो थोड़ा सा गड़बड़ दिखने में लग रही है, लेकिन कद काठी बनावट से बहुत ही शानदार है। और एक टाइम में 5 लीटर से 6 लीटर दूध एक टाइम में करती है, यानी कि 10-12 लीटर के आसपास दूध देती है। और रही बात खान पान की, तो खान पान तो हम देहात में रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन हमने चरी बरसीन और भूसा, उसके साथ में कुछ पोषाहार पशु आहार और चूनी चोकर भी देते हैं। तो इस हिसाब से डेयरी फार्मर के हिसाब से तो हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम देते हैं, आप लोग हमारी भैंस की बॉडी कद काठी बनावट देख सकते हैं कैसी है, और खान पान जो होता है हमारा कैसा है। तो हम कोई नाप तौल के नहीं देते हैं कि कितना इतना चूनी चाहिए, इतना चोकर चाहिए, तो डाला जाता है जितना खाती है, जैसे खाती है बस उस तरह से है। हाँ, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, देहात में अक्सर होता है कि लोग चारा बार बार 2 झउआ 3 झउआ 4 झउआ ऐसे डालते रहते हैं, तो इतना चारा देने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा चारा दीजिए, उसमें दाना डाल दीजिए, बड़े प्रेम से खाएंगी, और उनको हटा दीजिए। तो बार बार ज़्यादा खिलाने से तो पागुर करने में बैठ करके पागुर करती हैं, सही तरह से पाचन क्रिया नहीं हो पाता है उनका। तो थोड़ा चारा दीजिए, अच्छा चारा दीजिए, और कद काठी बनावट हमेशा बनी रहेगी। और कैल्शियम मिनरल मिक्सचर देना अति आवश्यक है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है केरी की दवा। केरी की दवा भैंस को ज़रूर देना चाहिए, समय समय पर, हर 6 महीने पर एक बार केरी की दवा दीजिए, और उसके बाद आपकी भैंस स्वस्थ रहेगी। और बीच बीच में कुछ रूचा मैक्स वगैरह आता है, जो कि पाउडर होता है पेट साफ करने के लिए, इन सबको भी देना चाहिए। तो हम इसकी एक अलग से आपको वीडियो बनाएंगे कि भैंस को क्या क्या कब दिया जाए, वो तो अगली वीडियो में होगा। खैर, इस समय की जो है ये भैंस हम थोड़ा खोल के आपको अपनी दिखा देते हैं किस तरह से है। इसके आर्डर क्वालिटी को देखिए, अभी तो 2-3 दिन तो 3 टाइम तक दुहाई हुआ था, लेकिन अब नहीं हो रहा है, 3 दिन सिर्फ हुआ था। दोपहर में भी बच्चे को पिला रहे थे ताकि थोड़ा दूध निकलता रहे, ज़्यादा दूध शुरू में 2-3 दिन होता है, और फिर उसके बाद आपको दोनों टाइम दुहाई होती है, 5 से 6 लीटर दूध एक टाइम में देती है। और कैसा है ये हमारी भैंस, कैसी है, आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा। और फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे किसान भाइयों, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।